जंगल में एक सांप ने कहर मचाया हुआ था। ये तो रोजाना ही किसी ना किसी पक्षी के अंडे खाकर अपना पेट भरता था। कालू गौवे, ये तुम्हारा बेटा है ना? अगर तुम इसको जिंदा चाहते हो तो अपना अंडा मुझे दे दो, वरना इसे मैं मार डालूंगा। बाबा मुझे बचा लो, बाबा ये सांप मुझे मार डालेगा। सांप भाई, मेरे बच्चे को जाने दो, मैं तुम्हें अपना अंडा दे देता हूँ। रानी इसे अंडा दे दो, नहीं तो ये जालिम सांप हमारे बच्चे को मार डालेगा। फिर वो सांप रानी का अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू जी, ये आपने क्या किया, हमारा अंडा दे दिया उसको। मैं क्या करता रानी, अगर मैं उसको अंडा ना देता तो हमारे राजू कौवे को खा जाता। तो ये तो अच्छा है ना कि वो हमारा अंडा ले गया और हमारे राजू को छोड़ गया। क्या हो गया है हमारे जंगल में, ना जाने ये सांप हमारे जंगल में कहाँ से आ गया है, इसने तो हमारे जंगल में कहर मचा दिया है। अब तो सब पक्षी अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके रखते थे और अपने घरों से कहीं बाहर नहीं जाते थे। तोते जी, अगर हम ऐसे ही घरों में बंद पड़े रहे तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? भोजन इकट्ठा करने के लिए तो हमें घरों से बाहर जाना ही पड़ेगा। हाँ तोती, मैं भी यही सोच रहा था, हमें घरों से बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा हम एक काम करते हैं, तुम अंडों का ध्यान रखो और मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। बस यूं गया और यूं आया, लेकिन याद रहे कि घर का दरवाजा बंद ही रखना और घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाना। ये कहकर तोता भोजन की तलाश में घर से बाहर चला जाता है। बस तभी वो जालिम सांप भी वहाँ पर आ जाता है। अब देखो मैं अपना कमाल दिखाता हूँ, और देखना ये पक्षी दरवाजा कैसे खोलते हैं। फिर ये सांप नन्हे पक्षी की आवाज निकालने लगता है। दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा, मेरे पीछे चील लगी हुई है। ये तो किसी नन्हे पक्षी की आवाज है, लगता है किसी की जान खतरे में है। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से दरवाजा खोल के उसको अपने घर में बुला लेती हूँ, कम अज कम उसकी जान तो बच जाएगी। ऐसा सोचकर तोती अपने घर का दरवाजा खोल देती है। फिर सांप फौरन से उस तोती के घर में घुस आता है। बड़े आए दरवाजा नहीं खोल रहे थे, कैसा उल्लू बनाया, दरवाजा फौरन से खोल दिया। देखो अब मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे ये दोनों अंडे खा जाऊंगा मैं। सांप भैया कुछ तो मेरे ऊपर दया करो, मेरे अंडों को जाने दो। मेरे अंडों के बदले में तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगी। मुझे इन अंडों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सांप ये कहकर तोती के दोनों अंडे खा जाता है। जंगल में तो सांप का कहर बढ़ता ही जा रहा था, जिस कारण सारे पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। पक्षियों, हमें मिट्टू महाराज से बात करनी चाहिए, उनसे हमें गुस्से में कहना चाहिए कि वो हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे, वो तो हमारे महाराज है ना। कोई फायदा नहीं है मिट्टू भाई, वो तो खुद ही बहुत ज्यादा परेशान है। उस सांप ने तो मिट्टू महाराज को भी नहीं छोड़ा, वो सांप तो मिट्टू महाराज के भी अंडे खा गया। हम पक्षी बहुत कमजोर हैं, हम भला उस सांप का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। ठीक कह रही हो तुम, मुझे तो लगता है इस समस्या का कोई हल नहीं है। मुझे तो लगता है ये सांप आहिस्ता आहिस्ता तमाम पक्षियों के अंडे को खा जाएगा और फिर हमारे जंगल में एक भी नन्ना पक्षी नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं कालू कौवे, ऐसा नहीं हो सकता। इतने में मीनू चिड़िया दूसरे जंगल से अपने अंडे लेकर इस जंगल में वापस आ जाती है। क्या बात है पक्षियों, आप सब मुझे इतने ज्यादा उदास क्यों लग रहे हो? मीनू चिड़िया तुम अभी क्यों आ गई हो इस जंगल में? ये जंगल मेरा भी है कालू कौवे, मैं भला अपने ही जंगल में क्यों ना आऊं? अरे मीनू चिड़िया तुम्हें नहीं पता, जब से तुम गई हो हमारे जंगल में एक कहर आ गया है। हमारे जंगल में एक बहुत बड़ा सांप आ गया है, जो रोजाना ही हम सब पक्षियों के अंडे खा रहा है। ना जाने ये सांप हम सब पक्षियों के कितने अंडे खा चुका होगा, और तो और ये हमारे जंगल से जाता भी नहीं है। अब तो हमारे जंगल की बर्बादी पक्की है। हाय रे, ये क्या कह रही हो बुलबुल बहन, लगता है हमारे जंगल को किसी की नजर लग गई है। मीनू चिड़िया जल्दी करो, अपने दोनों अंडे लेके वापस उसी जंगल में चली जाओ, वरना वो जालिम सांप किसी भी समय यहाँ पर आता होगा और वो तुम्हारे अंडे भी खा जाएगा। नहीं जा सकती कालू कौवे, दूसरे जंगल में बहुत तेज बारिशें हो रही हैं, तभी तो मैं यहाँ जंगल में वापस आ गई थी। मीनू चिड़िया तुम्हारा इस जंगल में एक मजबूत सा घर तो है ना, तुम जल्दी से अपने अंडों को वहाँ ले जाओ। फिर मीनू चिड़िया जल्दी से अपने अंडों को घर में ले जाती है।
मीनो चिड़िया अपने घर में ताला लगाकर भोजन की तलाश में निकल जाती है। मीनो चिड़िया फिर अपनी आंखों से खुद देखती है कि वो जालिम सांप किसी पक्षी के अंडे खा रहा था। पक्षियों की बात तो ठीक निकली, ये सांप बहुत ही जालिम और बहुत ही ताकतवर है। हम सब पक्षी मिलकर इसको हरा नहीं सकते। देखो तो ये सांप पक्षियों के अंडे कितने मजे लेकर खा रहा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जंगल खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर मीनो चिड़िया फौरन से कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, हमें एक बहुत ही बढ़िया उपाय मिला है, हम उससे उस ताकतवर सांप को हरा सकते हैं। अच्छा, वो क्या मीनो चिड़िया, जल्दी से बताओ मुझे। फिर मीनो चिड़िया अपना उपाय कालू कौवे को बताती है। उपाय तो वाकई बहुत बढ़िया है, इससे तो हम इस सांप को आसानी से हरा सकते हैं। चलो ठीक है कालू कौवे, जैसा तुम्हें कहा है बिल्कुल वैसे करना, मैं भी जा रही हूँ। उपाय के मुताबिक मीनो चिड़िया सांप के पास जाती है। मीनो चिड़िया सांप के पास जाकर बीन बजाने लगती है। बीन की मधुर आवाज सुनकर सांप तो मीनो चिड़िया के वश में आ जाता है। तभी कालू कौवा वहाँ पर एक बड़ा सा चाकू लेकर आ जाता है और उस चाकू से सांप पर वार कर देता है। इस कारण सांप उसी समय मर जाता है। इस तरह मीनो चिड़िया का उपाय काम कर जाता है और उनके जंगल को सांप से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कालू कौवे और गोरी कौवी की नई नई शादी हुई थी। गोरी कौवी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। कालू कौवे की अपनी जामन की खेती थी, लेकिन कालू कौवा बहुत आलसी था। वो अपनी खेती पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अरे कालू जी, मैं आपको बहुत दिनों से देख रही हूँ, आप तो अपने खेतों पे बिल्कुल भी नहीं जाते। आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा? गौरी कौवे, मुझे खेतों पे जाने की क्या जरूरत है, मैं तो घर बैठे बैठे ही पैसे कमा लेता हूँ। जंगल के सारे पक्षी जितने जामन तोड़ते हैं मुझे वो पैसे दे जाते हैं, तो आप मुझे खेत पर जाने का ना बोलें। ऐसा कहकर कालू कौवा घर से बाहर चला जाता है। गोरी कौवी को ये बात हजम नहीं होती। मुझे तो कोई भी पक्षी इतना ईमानदार नहीं लगता कि कालू कौवे को पूरे के पूरे पैसे देता हो। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गोरी कौवी अभी ये सोच ही रही थी कि वहाँ पे टोनी चिड़िया आ जाती है। आओ बैठो टोनी, ये बताओ कि आपके घर में सब ठीक ठाक है? हाँ गोरी बहन, आपकी कृपा से सब ठीक ठाक है। मैं तो आपका हाल चाल पूछने आई हूँ। हमारे जंगल में आपको किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? नहीं टोनी, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कालू कौवे तो बहुत ही ज्यादा आलसी हैं। आज मैंने उनसे जामन के खेत में जाने का कहा तो उन्होंने मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? टोनी चिड़िया, आप ही कुछ बताएं। गोरी बहन, आप कालू कौवे को लेकर चिंतित ना हो, वो तो हमेशा से ही आलसी हैं। वो कभी भी अपने बाग पर नहीं जाते। टोनी चिड़िया, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझसे तो ये सब नहीं देखा जाएगा। गोरी बहन, अगर कालू कौवा बाग पर नहीं जाते तो आप बाग पर चली जाया करें, इससे आपके बाग की देखभाल भी होती रहेगी। ये कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोरी कौवे को टोनी की बात बिल्कुल सही लगती है। और फिर अगली सुबह गोरी कौवी कालू कौवे के साथ बाग में चली जाती है। अरे वाह कालू कौवे, आज तुम बाग आए हो, लगता है सूरज उल्टी दिशा से निकला है। नहीं कबूतर जी, अब से हम रोज खेतों में आया करेंगे और अच्छे से देखभाल भी करेंगे। क्यों कौवे जी? ये तो बहुत अच्छा है, ये लो मुझे 20 रुपए के मीठे मीठे जामन दे दो। गोरी कौवी कबूतर को जामन दे देती है और कबूतर वहाँ से चला जाता है। और फिर एक उल्लू आकर जामन खाने लगता है और कुछ जामन तोड़ कर रख लेता है। ये देखकर गोरी कौवी कौवे से कहती है, ये कौन है जो हमसे पूछे बगैर जामन ले जा रहा है? ये उल्लू चील की गुफा में रहता है और ये जामन अपनी चील दीदी के लिए ले जा रहा है। चील है तो क्या हुआ, बाकी पक्षियों की तरह पैसे लेके ले जाने दूंगी। मैं अभी इस उल्लू को बताती हूँ।
कोरी कौवी उल्लू से सारे जामुन छीन लेती है और गुस्से से उल्लू से कहती है, ओ टेढ़े मेढ़े आंखों वाले उल्लू, तुझे शर्म नहीं आ रही जो मेरे जामुन फ्री में खा रहा है? लगता है तुझे पता नहीं है ये जामुन मैं किसे के लिए ले जा रहा हूँ और मैं कौन हूँ। मुझे सब पता है, तू ये जामुन अपनी उस बुरी शक्ल वाली चील के लिए ले जा रहा है। अगर आज के बाद मेरी जामुन को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कमजोर कौवी, तू मुझे मारने की बातें कर रही है? देख मैं तेरे जामुन कैसे जमीन पर गिराता हूँ। उल्लू की ये बातें सुनकर कौवी को तो गुस्सा आ जाता है और वो उल्लू की जमकर पिटाई करती है। अब पता चला कौन कमजोर है और कौन ताकतवर। अब मेरे बाग के आसपास दिखाई भी मत देना वरना वो हाल करूंगी कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर उल्लू वहाँ से भाग जाता है और कौवी कौवे से कहती है, डरपोक पति, कैसे अपनी पत्नी की लड़ाई देखा जा रहा था कि तुमने उल्लू से कुछ भी नहीं कहा। वो मैं ये सोच रहा था कि तभी वो उल्लू यहाँ से भाग गया। रहने दो, सारी जिंदगी सोचने में ही निकल जाएगी। उल्लू हापता हुआ चील के पास आ जाता है। उल्लू की ऐसी हालत देखकर चील उससे पूछती है, अरे छोटे उल्लू, तुझे क्या हुआ है? तू इतना हाँप क्यों रहा है? वो दीदी, मैं रोज की तरह कौवे के बाग से जामुन लेने गया था और उसकी पत्नी ने मेरी जमकर पिटाई की और ये कहा कि आज के बाद मेरे बाग से दूर रहना। इस कौवे की इतनी हिम्मत, चल तू मेरे साथ, मैं उसे अभी सबक सिखाती हूँ। फिर चील और उल्लू गोरी कौवे के बाग में आ जाते हैं और चील कौवे से गुस्से से कहती है, अरे ओ कौवे, जरा ये बात कान खोल के सुन ले, मैं तेरे बाग से रोज जामुन खाया करूंगी और जितना मन करेगा उतनी जामुन जमीन पर गिराऊंगी, बता तू क्या कर लेगी। ये सुनकर कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, गोरी कौवी, आप जरा इस वक्त बिल्कुल चुप रहिएगा, ये चील हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। गोरी कौवी काले कौवे के बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती और चील से बोल पड़ती है, तो वो आप हो जो मेरे फ्री के जामन खा खा के भैंस की तरह मोटी होती जा रही हो। अरे तेरी ये जुर्रत कि तू मुझसे पंगा ले, लगता है तेरी हड्डियां तो तोड़नी पड़ेंगी। हाँ हाँ, आजा मोटी चील, कौन डरता है तुझसे। फिर दोनों में काफी देर तक लड़ाई चलती है और गोरी कौवी खूब डटकर मुकाबला करती है। थोड़ी देर बाद चील थक जाती है और हांपते हांपते कहती है, ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, मैं कल फिर आऊंगी और अपने पति को भी साथ लाऊंगी। चल उल्लू, इस वक्त मुझे अपने कंधों पे ले चल, मैं इस वक्त बहुत थक गई हूँ। ये मुझसे नहीं होगा, आपसे पहले मुझे प्रसाद मिल चुका है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गौरी कौवी जी, अब हमें घर चलना चाहिए। गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, चुप कर जाओ बदमाश पति, ये सब कुछ आपके कारण हो रहा है। फिर ये दोनों अपने घर आ जाते हैं। फिर रात हो जाती है। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, गौरी कौवी, आप आराम से सो जाइए, कल की चिंता मत कीजिए, आप कल बाग जाना ही नहीं, वो चील और उसका पति फिर किससे मुकाबला करेंगे। आप एकदम चुप होकर सो जाइए, मैं कल बाग जरूर जाऊंगी और आपको भी मेरे साथ चलना ही होगा। गोरी कौवी जी, आपने चील का तो डट कर सामना किया पर उसका पति बहुत खतरनाक है, आप उसका सामना नहीं कर पाओगी। ऐसा कहकर कालू कौवा सो जाता है लेकिन गोरी कौवी को कहां नींद आने वाली थी। वो सोचने लगती है और फिर टोनी चिड़िया के घर चली जाती है और फिर उसे सारी बातें बताती है। गोरी बहन, आपको बल से नहीं बुद्धि से काम लेना होगा वरना वो चील का पति आपको मार डालेगा। टोनी की ये बात सुनकर गोरी को एक तरकीब सूझती है और वो दौड़ी दौड़ी अपने बाग पर चली जाती है। अब मजा आएगा उस चील और उसके पति को। और फिर कौवी अपने घर आ जाती है और फिर सुबह हो जाती है
और कालू कौआ भी उठ जाता है। चलो कौवे जी, हम अपने बाग चलते हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। गौरी कौवे जी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। वो चील का पति तुम्हारे साथ मेरी भी हड्डियाँ तोड़ देगा। अरे मेरे बुजदिल पति, मैंने पहले से ही सब कुछ सोच लिया है, बस तुम मेरे साथ चलो। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने बाग आ जाते हैं। टोनी और कुछ और पक्षी वहाँ पहले से ही जमा थे। चील का पति कौवे जी को घूर घूर कर देखने लगता है। यही है वो तुष्ट कौवी जिसने मेरी और उल्लू की जमकर पिटाई की, अब आप इसे जिंदा मत छोड़ना। हाँ हाँ, मुकाबला पूरे नियमों के साथ ही होगा, जैसा कि मैंने कहा था, वरना मैं इस चील को पटक पटक के मारूंगी। कहीं इसका सर फूट गया तो मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। पहले तुम मुकाबला करो, फिर देखते हैं किसका सर फूटता है। फिर ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही चील और उसका पति मारने के लिए आगे बढ़ता है, उन दोनों के ऊपर एक जाल आ गिरता है। ये क्या हुआ चील जी, हम इस जाल में कैसे फंस गए? फंसे नहीं हो, मेरे जाल में फंसाए गए हो। अब मुझे तुम दोनों से मुकाबला करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर गोरी कौवी एक मजबूत डंडे से उन दोनों की पिटाई करने लगती है। ये देखकर उल्लू वहाँ से भाग जाता है और कालू कौवा भी एक डंडा उठाकर चील और उसके पति की धुलाई करने लगता है। मारो गोरी कौवी जी, मारो इनको, खूब मारो, ये दोनों तो फ्री में हमारे जामुन खाए जा रहे थे, आज इनकी खूब जमकर पिटाई करता हूँ। हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी जंगल में लौट कर नहीं आएंगे, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। लेकिन कालू कौवा तो इनकी कोई बात नहीं सुनता। कालू कौवे का ये रूप देखकर गोरी कौवी बहुत हैरान रह जाती है। रुक जाओ कौवे जी, इन्हें जाने दो, ये हमारे बाग में अब कभी नहीं आएंगे। गोरी कौवी की बात सुनकर कालू कौवा रुक जाता है और फिर चील और उसका पति वहाँ से भाग जाते हैं। तभी टोनी चिड़िया कहती है, बहुत खूब गोरी बहन, आपने इस चील और इसके पति को सही सबक सिखाया, अब ये दोनों हमारे जंगल की तरफ कभी भी मुड़ के दोबारा नहीं देखेंगे। कालू कौवे जी, आज आपने खूब हिम्मत दिखाई, जिससे पता चलता है कि आप डरपोक नहीं हो। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मुसीबत हमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।